महंगाई तले फिसे आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बापडा ने पन बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे दी। एक साल में 177 अरब रुपए आवाम से वसूल किए जाएंगे। नेपरा अथॉरिटी फैसले से पहले आवामी समाप्त करेगी। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, खारिया, गुजरांवाला समेत। सिंध काबीना ने केवाड़ी को भी जिला बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले के बाद कराची में जिलों की तादाद 7 हो जाएगी। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, खारिया, गुजरांवाला समेत कई जगह बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की कल तक बारिश जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में 4 घंटे तक नॉनस्टॉप बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। सड़कें, गलियां जेरियाब, पानी घरों में दाखिल हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब। बादामी बाग, सब्जी मंडी में भी पानी जमा होने से आड़तियों को नुकसान। रेलवे ट्रैक भी पानी पानी। लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस कोट लखपत स्टेशन पर रोक ली गई। लेस्को के 77 फीडर ट्रिप होने से घंटों बिजली बंद। कराची में कहीं धूप कहीं बादल। गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट और दीगर जगहों पर बूंदाबांदी। सिंध के मशरक में मॉनसून का नया सिस्टम बनने लगा। 21 और 22 अगस्त को कराची, थरपारकर, मदीन, छत्था, मीरपुर खास में बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर रेलवे से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मनसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर करने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कराची हैदराबाद पुल किसी भी वक्त गिर सकता है। दरियाए सिंध पर कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। अयूब दौर के बाद जितने भी पुल बनाए गए सब गंदे बनाए गए। दरियाए सिंध मुल्क की मईशत चलाता है, इसे इज्जत दें। ML1 में स्टेट ऑफ द आर्ट पुल बनाए जाए। इस्लामाबाद में सरकारी जमीन पर तामीरात की इजाजत देने पर पाबंदी। सरकारी जमीन पर कब्जा कराना मेयर इस्लामाबाद चेयरमैन CDA का मिसकंडक्ट है। सेंटर औरंगजेब औरंगजई मेयर इस्लामाबाद पर रेफरेंस बनता है। आपने सरकारी जमीन पर बाड़ क्यों लगवाई? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सेनेटर औरंगजेब औरंगजई से इस्तफसार। पार्टी रहनुमाओं ने खर्चा करके वजीर आजम के घर भी बाड़ लगवाई। सेनेटर का जवाब, वजीर आजम को सरकारी जमीन पर कब्जे के केस में ना लाएं, अदालत के रिमार्क्स। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने विफाक़ी हुकूमत, FIA और दीगर इलाकों से रिपोर्ट तलब कर ली। मियां नवाज शरीफ ने खुद को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। मियां नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत का फैसला चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीना में इस वीडियो केस से मुलजिम आगा इफ्तिखारुद्दीन की जमानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर बिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हर एक को शफाफ ट्रायल का हक देना अदालत की जिम्मेदारी है। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा और इनकी ख्वाहिशों पर पानी पड़ेगा। $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर इसी महीने या 7-8 दिन आगे के बाद जारी कर दिया जाएगा और इसका सारा सेहरा इमरान खान और कमर जावेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ, और आज ML1 ने अपना रेलवे का हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर दिया।
इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। नायबजदा अफराद को एनआरओ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन गिरोहबंदी का शिकार है। हिजब इख्तलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ML1 का सहरा वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सर जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अवैस लगारी की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। बोले हुकूमत नाकाम हो गई। 65 रुपए वाली चीनी 120 रुपए किलो हो गई। पंजाब में वाफिर गंदुम है तो कहां गई। मियां नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म कराई। नई हुकूमत के आने पर बिजली बहरान दोबारा आ गया। पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। कौमी असेंबली का इजलास कल तलब करने का फैसला। वजीर खारजा शाह कुरैशी दौरा दौरे पर चीन चले गए। चीनी हम मनसब समेत आला कयादत से मुलाकातें करेंगे। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान सी पैक लद्दाख और खित्ते की सूरत हाल पर भी बात होगी। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। पेट्रोलियम डिवीजन का GIT से बकाया जात की वसूली के लिए मुतलिका इदारों को खत। तमाम नादहिंदगान से 24 एक्सेप्ट में रकम वसूल की जाएगी। बहादुरी से कौम का सर फखर से बुलंद करने वाले पाकिस्तान के अजीम सपूत राशिद मिन्हास का 49वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का मंसूबा नाकाम बनाया था। बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। DGISPR का राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के कभी इम्कान है। मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में PCB कोचिंग टीम का ऐलान। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ बैटिंग, हफीकुज्जमान विकेट कीपिंग और मोहम्मद जाहिद बॉलिंग कोच होंगे। अब्दुल रजाक, बासत अली, फैसल इकबाल और शाहिद अनवर अब्दुल रहमान और मोहम्मद वसीम मिसबाह हक की नई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे।